रामनगर राज्य शिव मंदिर के प्रांगण में सामाजिक विकास किसान संगठन के बैनर तले किसान नेता बेंचू यादव की अध्यक्षता में साल के पहले दिन मांसाहार निषेध के दिन के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में महिला पुरुषों के द्वारा भजन का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर परिषद रामनगर से नवनिर्वाचित उप सभापति प्रतिनिधि सुजल सिंह व धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए शुक्ल तुरहा को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। लोगों के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है? अनेकता में एकता का भाव और मानव धर्म का पालन हमारे जीवन में होना चाहिए। नदिया एक घाट बहु तेरे, कह कबीर समझ के फेरे। प्रभु एक हैं, उनको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, और उस मतभेद को दूर करने के लिए सर्वधर्म समन्वय का यह कार्यक्रम बेची यादव जी के द्वारा विगत 20 वर्षों से चलाया जा रहा है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है कि अच्छे का प्रयास करना आज के दिन से हम शुरू करें। यह अंग्रेजी वर्ष का 9 वर्ष है और इसी से पूरा संचालन होता है, इसलिए हम लोगों को आज अच्छे जीवन की शुरुआत करने की सीख दें। उद्देश्य है कि समाज एक जो है अच्छे रास्ताओं पर चलें और धर्म के नाम पर जो आडम्बर है उसे ऊपर उठें। एक ईश्वर है तो एक धर्म ही होना चाहिए। इसका उद्देश्य है कि अलग अलग जो पंथाएं हैं वो एक ईश्वर को समीप हो जाएं और एक भारत, एक रंग, एक रूप होना चाहिए। इसका ये उद्देश्य है। बेचू जी, प्रति वर्ष आपके द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता है, तो आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के? मानव एक, जाति अनेक, धर्म एक, संप्रदाय अनेक। हम लोग जात अलग हो सकते हैं कि, लेकिन मनुष्य के बात पर कहाँ अलग हो सकते हैं जी। एक तरह आना, एक तरह जाना, सिर्फ मनुष्य को पहचान उनके कर्मों से किया जाए। संदेश क्या देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि पहली तारीख को आने वाले, हर पहली तारीख को एक दिन के लिए मनुष्य को मांस, मदिरा, मछली को परहेज करते हुए ईश्वर से प्रार्थना के दिन लोग बनाएं। एक दिन अपने अंदर एक आचरण तो डाल के देखें कि इसमें क्या स्वाद है। अगर एक दिन बच्चा कॉल लिखना जान जाता है तो जीवन में भुलाता नहीं है। उसी तरह से हमारी प्रयास है कि एक दिन समाज जो है अपने अंदर के बुराइयों को त्याग करके और सत्य को धारण करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमारे विचार को बदल दो, समाज के प्रति जोड़ो। मैं, हम सब लोग एक हैं और एक साथ रहें। सिर्फ वहाँ जो है अलग देखें, जिनको कर्म जो है, जिनके कर्म अलग हो, समाज के प्रति दुराव रखने वाले लोगों को सम्मान नहीं करें।